अब देखिए जो हम लोग बात करेंगे आज दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। मिस्टर क्या आप एक बात समझिए यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन द सेम मैनर वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो होते हैं दे आर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रिवेल्स इन टू द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? डाय मतलब टू, तो जो मेल और फीमेल्स होते हैं सो दे कैन बी मॉर्फोलॉजिकल तो एक्सटर्नल बनावट है। तो जो हमारी बॉडी की बनावट होती है तो बॉडी की बनावट से मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल, ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर एक सेक्स होता है, ठीक है, चाहे वो मेल होंगे चाहे वो फीमेल होंगे, एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल बनावट से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। इफ सच टाइप ऑफ फिनोमिना प्रिवेल्स दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आया समझ में? तो यदि आपको कहा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देन यू कैन टेल और नॉट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस द इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर से। सो दैट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब एक बात समझिए, जब ह्यूमन बींग्स में एक बेबी डेवलप होता है मतलब एक बेबी का बर्थ बॉर्न होता है तो बेबी जो होगी या तो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो जब एक इंडिविजुअल जन्म लेता है मेल और फीमेल तो वो सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होता है, वो सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होता है। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी द इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर्ड, ठीक है। तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी द मेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर्ड और द फीमेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर्ड। और जो ये प्यूबर्टी जो है वो मेल में 13 टू 14 ईयर में आता है, जबकि जो फीमेल्स होती हैं सेक्सुअली मैच्योर्ड ये 10 टू 12 ईयर्स में आता है, ठीक है। अब होता क्या है जैसे एक मेल डेवलप हुआ या जन्म लिया या एक फीमेल जन्म ली, ठीक है, तब से लेके 13 टू 14 ईयर तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट फॉर्मिंग द गैमेट्स, स्पर्म और ओवा का प्रोडक्शन बॉडी में नहीं होता है। ओवा का प्रोडक्शन या स्पर्म का प्रोडक्शन उस समय होता है जब वो इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर रहता है, ठीक है। तो ओवा का प्रोडक्शन या स्पर्म का प्रोडक्शन कब होता है? प्यूबर्टी अटेन होने के बाद या प्यूबर्टी अटेन करने के पहले? उसके बाद प्यूबर्टी के बाद। अब सवाल ये है कि कोई इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो गया या प्यूबर्टी अटेन कर गया, हमें कैसे मालूम चलेगा कि सेक्सुअली मतलब प्यूबर्टी अटेन हो गया? मैंने कहा एवरेज ऑफ 13 टू 14 ईयर में मेल के अंदर ये प्यूबर्टी अटेन होता है एंड एवरेज ऑफ 10 टू 12 ईयर्स इट इज अटेन इन टू द फीमेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होता है तो along with the formation of gametes,
the sex hormone will be also produced. Sex hormone will be also produced into the body of male and female. ठीक है, जैसे मेल है तो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो दो है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब होता क्या है, जब ये सेक्स हार्मोन बॉडी में यानी रिलीज कब होगा, मेल पे ये 13-14 में रिलीज होगा और फीमेल पे 10-12 ईयर में. उसके बाद क्या होता है, जो ह्यूमन मेल्स होते हैं तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होने से कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होते हैं, जैसे कि बॉडी स्टार्ट बिकमिंग मस्कुलर. जैसे ही प्यूबर्टी अटेंड होता है तो आप देखना जो लड़के होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो मस्कुलर होने लगती है. माउस्टेचेस एंड बियर्ड्स विल बी स्टार्ट कमिंग, बॉडी हेयर्स विल स्टार्ट डेवलपिंग. ठीक है, तो जो ये शोल्डर है ये ब्रॉड होने लगता है. सो दीज आर द चेंजेस बाय विच यू कैन से दैट द चाइल्ड हैज अटेंड और द मेल चाइल्ड हैज अटेंड द प्यूबर्टी और नॉट. अब यही बात हम करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में यदि सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होता है तो उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे मेल के अंदर एक चीज और आता है, चेंज इन द वॉइस. जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, फीमेल में वो वॉइस कोई चेंज नहीं होता है. चेंज क्या आता है, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन टू द बॉडी ऑफ द फीमेल. Extra fat will start depositing into the body of the female. That's why, if you see after the maturity, the female start caring about their food or not. यदि वो food पे care नहीं करेंगे तो उनकी body में ऐसे hormone produce हो रहे हैं कि वो fat को deposit करना शुरू कर देंगे. इससे after attainment लड़कियां मोटी हो सकती हैं. ठीक है, दूसरी बात hip जो होता है वो broad जाता है. ठीक है, breast will start developing. So these are certain changes which will be occurring into the females which are called as secondary sexual character. Hairs will start developing into the armpits. So ye cheeze jo hoti hai, these will occur into the male and female both or not? Yes, sir. So these, if these changes are start taking place into the male and female, which means the male and female have attained the puberty or not. And these changes are called as secondary sexual character. These are called as what? Secondary sexual character, through which you can identify whether the individual have attained the sexual maturity or not. आया समझ में? Yes sir. आप बताओ क्या पूछ रहे थे? ये मैंने कहा एवरेज. ठीक है, आप किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी. एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ 14 आता है, एक बच्चा ऐसा भी होता है जिनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी 12 साल में आ जाता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग टू सराउंडिंग इन विच दे आर लिविंग. अब हम कहते हैं कि दिल्ली है तो दिल्ली में बहुत ओपन है लोग, तो वहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है वो बहुत पहले आ जाती है. लेकिन यही बात हम विलेज में कहें, ठीक है, तो विलेज में जो लोग होते हैं उतने अवेयर नहीं होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट द सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन लेटर और नॉट. सो वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग पे, फूड हैबिट पे, कि क्या खाते हैं, क्या बात करते हैं, क्या देखते हैं, किस सराउंडिंग में रहते हैं, इन सब चीजों पे. उस समय प्यूबर्टी अटेन होने के बाद हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होगा, उससे पहले हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा. और जब हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसके बाद ये चेंजेस होने शुरू होते हैं. जैसे आप 5-8 साल के एक बच्चे को, एक लड़के को, एक लड़की को किसी रूम के अंदर रख दो तो उनके आवाज को बुलवाओ तो एक जैसे लगेंगे आवाज. अब तुम हो मानो 10th क्लास में आ गए, तुम्हारी आवाज और लड़की की आवाज यहां से करवाया जाए तो इजिली डिस्टिंग्विश हो जाएगा बाहर से कि ये आवाज मेल की है और ये फीमेल की है. बिकॉज The pitch of the males become higher. तो आवाज क्या होती है, वो फट जाती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन आने लगती है. ठीक है, यदि आप मेल का साउंड और फीमेल के साउंड में देखो फर्क क्या आता है, मेल साउंड वाइब्रेट करेगा. ठीक है, वोकल कॉर्ड है. ठीक है,
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो एक फिजियोलॉजी है जो होना है, ठीक है। इसीलिए तुम देखना जो अनाउंसमेंट होते हैं इस तरह की चीजें होती है फीमेल वॉइस में होती है, क्योंकि लो पिच होती है, तो लो पिच होने से क्या होता है क्लियरिटी ज्यादा होती है, जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन है दे कैन डू बेटर, बिकॉज इट्स नॉट दैट वी हैव गॉट सर्टेन प्रॉब्लम, नो, इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज अकरिंग, हमारी आवाज वाइब्रेट करती है तो फिजियोलॉजी हमारे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इनकी नहीं करती है फिजियोलॉजी है, तो इसीलिए अनाउंसमेंट कॉमनली देखना फीमेल वॉइसेस में होती है, उनका कारण नहीं है, ठीक है, क्लियर है, आगे बोलिए बोलते आगे। मैंने गलती कर दिया क्या? क्या ये जो हार्मोन है ना एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन जो होता है एडिपोज टिश्यूज को बढ़ा देती है, तो एडिपोज टिश्यू बढ़ जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो इस तरीके से होती है कि वो फैट को मतलब स्टोर करना शुरू कर देती है। अब एक बात बताओ, जब मस्कुलर तुम्हारी बॉडी बनेगा तो मसल सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है एनर्जी को, इनकी बॉडी कभी मस्कुलर हो ही नहीं सकती है, आगे किसी उसमें डाल दिया ना, क्या नाम है वो लड़ते नहीं उठा कैसे मारते हैं या फिर WWF वो सब है, डाल दूंगा ना, एक आती है रिविल पटेल की है, ठीक है बेटा, फिर बताएगी मस्कुलर यू काट के डाल दूंगा मतलब ये है शॉर्ट में यही है कि ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं, जो फीमेल प्लेयर्स होती हैं, वो कॉमनली टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के इंजेक्शन लगवाती है अपने बॉडी में ताकि बॉडी मस्कुलर हो जाए उनके, लेकिन इस तरह काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है हार्मोनल डिसबैलेंस बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तक बात कर लिए थे, अब हम लोग नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि हमें मेल और फीमेल के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना होगा और वो कैसे वर्क करते हैं वो समझना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी में जाता है ओवरी जो होती है ना ओवरी रिलीज करती है और ओवरी रिलीज करने के बाद वो ब्लड में जाता है और ब्लड से वो पूरे बॉडी में रहेगा। एक केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है। अब जब ब्लड में डल गया तो आपको मालूम है कि कौन ऐसा बॉडी का पार्ट है जहां ब्लड नहीं जाता है। तो एक बात बताओ, ब्लड में डाल दिया गया तो ब्लड जहां जहां जाएगा वो केमिकल भी वहां वहां जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। बस खासियत इसकी ये होती है कि इसको जहां काम करना है वही काम करेगा, चाहे पूरी दुनिया घूम ले पूरी बॉडी घूम ले तो पूरी बॉडी घूम लेगा लेकिन वहां कहीं पर काम नहीं करेगा, वर्क कहां पर करेगा जहां उसको करना है। इसको इस तरीके से समझो जैसे एक पोस्टमैन होता है, तो पोस्टमैन जो होता है वो पूरी कॉलोनी घूमेगा लेकिन जिसका लेटर होगा वो उसी को डिलीवर करेगा या किसी और को डिलीवर करेगा। अब मान लो किसी ए का लेटर है और बी के पास पहुंच गया तो दिक्कत तो होगी नहीं होगी, बाद में चल जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां तक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आता है। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा राइट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या मतलब है, आफ्टर द प्यूबर्टी चेंजेज आते हैं, समझ में आ रहा है, देख सकते हो व्हाट इज प्यूबर्टी, कब आता है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ये सब आप बता सकते हो। व्हाट इज प्यूबर्टी, अबे इतने देर से समझा कर रहा हूँ, प्यूबर्टी मीन सेक्सुअल मैच्योरिटी, पूरी रामायण खत्म हो गया, पूछे संता जी कौन थी।
coming to the topic. अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव आ गई. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसमें जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं. या तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा या वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा. या तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा या वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा. यदि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं विच प्रोड्यूसेस गैमेट एंड सेक्स हॉर्मोन. ऐसा कोई ऑर्गन जो गैमेट को प्रोड्यूस करता है और सेक्स हॉर्मोन को प्रोड्यूस करता होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसके अलावा विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, समझ में आ गया? मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जिसके अंदर गैमेट एंड सेक्स हॉर्मोन प्रोड्यूस होते होंगे. ठीक है, तो जिसके अंदर गैमेट और सेक्स हॉर्मोन प्रोड्यूस होते होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, जैसे कि मेल की बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिस जो होता है उसके अंदर गैमेट भी प्रोड्यूस होते हैं और सेक्स ऑर्गन भी प्रोड्यूस होते हैं. तो टेस्टिस जो हो गया वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल हो गया या नहीं? यस सर. ऐसे ही फीमेल में भी देखें तो फीमेल में ओवरी होता है, तो ओवरी जो होता है वो गैमेट भी प्रोड्यूस करता है. क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते? तो गैमेट जहां फॉर्म होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा. तो फीमेल में गैमेट भी जहां ओवरी में बनता है और जो सेक्स हॉर्मोन है वो भी ओवरी से प्रोड्यूस होता है. तो इसका मतलब फीमेल के अंदर ओवरी सेकेंडरी ऑर्गन है या नहीं है? ठीक है. और इसके अलावा जो भी ऑर्गन होंगे तो वो केवल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं. ठीक है, और इसीलिए उन्हें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहां पर यदि इसके अंदर प्रॉब्लम हो गया तो वो कभी भी इंडिविजुअल पेरेंट नहीं बन सकता है. लेकिन यदि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, सो देयर आर वेरियस अदर मेथड टू विच ए इंडिविजुअल कैन बिकम द पेरेंट और नॉट. यस सर. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्टिस होते हैं, बात नहीं, टेस्टिस होते हैं एंड द टेस्टिस रेस्ट ऑन ए ड्यूवेंट्रम स्ट्रक्चर एंड ए स्पोरिंग प्लेस इन देयर. इस तरह से एक डक्ट होता है जो स्पर्म को कैरी करके ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये डक्ट हो गया, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया. यहां पर एक मस्कुलर ग्लैंड होता है और यहां पे भी एक ग्लैंड होता है. यहां पे ग्लैंड होता है और एक छोटा सा ग्लैंड यहां पर. ये इस तरीके से अब देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेस्टिस. तो ह्यूमन मेल्स के अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन. ये कहां प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमेन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्कॉटल सैक. ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्कॉटल सैक. ये स्कॉटल सैक में इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस समय 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए. एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इनटू द टेस्टिस द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस शुड बी 2 to 3 degrees लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर विच कैन बी ओनली मेंटेन्ड वेन इट इज आउटसाइड द एब्डोमेन और नॉट. यदि वो एब्डोमेन में होगा तो इट्स टेम्परेचर विल बी सिमिलर टू द बॉडी टेम्परेचर और नॉट. सो दैट्स व्हाई
The testes are present outside the abdomen. ठीक है, यदि abdomen में रहता तो क्या होता, जितने भी sperm बनते सब मर जाते, तो वह पेरेंट कभी भी वो इंडिविजुअल कभी पेरेंट नहीं बन पाता। अब इसके इस चीज को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो ये टेस्टिस होता है ये स्कॉटल सैक में मूव करता है। जब ठंड होती है तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो उस समय क्या होगा, ये टेस्टिस एब्डोमेन के पास आ जाएगा, लेकिन जब गर्मी होता है तो उस समय बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये टेस्टिस जो है वो स्कॉटल सैक के एकदम लोअर मोस्ट रीजन में आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि टेस्टिस जो होता है दैट मेंटेन 2-3 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, सो दैट व्हेन द स्पर्म्स विल फॉर्म इन द टेस्टिस देन दे कैन सर्वाइव और नॉट। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्कॉटल सैक के अंदर। स्पर्म बनने के बाद वो एक स्ट्रक्चर में आकर जमा होता है जिसे हम कहते हैं इपी डायगेनेसिस। ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर स्पर्म जो होता है, स्पर्म गेट स्टोर्ड एंड नरिशमेंट उसको मिलता है, ठीक है, ताकि वो मैच्योर्ड हो सके, उसके अंदर मॉड्युलिटी कैरेक्टर डेवलप हो सके। और इस वाले डक्ट को हम कहते हैं स्पर्म डक्ट, इसे क्या कहते हैं स्पर्म डक्ट। इसी के थ्रू स्पर्म जो होता है वो चल के ऐसे आके बाहर निकलेगा। यहाँ पर तीन एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं तीन ग्लैंड, इन्हें कहते हैं एसेसरी ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज कॉल्ड एज कूपर्स ग्लैंड। These three are collectively called as accessory gland. ये क्या करते हैं, ये एक lubricating nourishing material release करते हैं। ये accessory gland जो होते हैं ये क्या करते हैं, they releases a lubricating nourishing material, lubricating nourishing material, ठीक है। तो ये स्पर्म को और ये जो लुब्रिकेटिंग नरिसिंग मटेरियल निकलता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, अल्कलाइन। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एसिडिक होता है। वो कैसा होता है, एसिडिक। तो यदि स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में